नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। बरेली में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दोनों आरोपियों में से एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरिंदगी का शिकार हुई छात्रा और उसके दोस्त जब उस घटना को याद करते हैं तो अब भी उनकी रूह कांप जाती है। सामने मौत खड़ी थी और दोस्त के साथ उसकी आंखों के सामने एक एक कर दरिंदों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। बारादरी इलाके की रहने वाली छात्र और छात्रा ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वो स्कूटी से 31 मई को घूमने निकले थी। इसी दौरान उन्हें हाईवे से पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाकर 6 आरोपियों ने छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात जैसे ही पुलिस महकमे को पता लगी तो हड़कंप मच गया और पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इतना ही नहीं, ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। SSP रोहित सिंह सजवार ने बताया, इज्जत नगर थाने में दर्ज हुए गैंगरेप के मुकदमे में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक के पैर में गोली लगी है और दूसरे को कॉम्बिंग करके पकड़ा गया है। बाकियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही बाकी के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। आरोपियों की तलाश जारी है। थाना इज्जत नगर पर 5 जून को एक 19 वर्षीय युवती के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि 31 मई को वो अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने गई थी और वहाँ पर 6 अन्य युवकों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और ये घटना 31 मई की है, लेकिन उसके बाद लोक लज्जा के डर से उसने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। लेकिन परेशान रहने पर उसके घर वालों के द्वारा जब पूछा गया तो ये बात जब उसने अपने परिवार वालों को बताई तो वो तहरीर लेकर थाने पर आई थी। इस पूरे प्रकरण में 6 नामजद लोगों को तहरीर में नामजद किया गया था और पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपी, एक विशाल पटेल और एक अनुज पटेल, इन 2 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से विशाल पटेल है, ये 22 वर्ष का है, इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पैर में गोली लगी है और जो दूसरा अभियुक्त अनुज पटेल, इसको भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और अन्य 4 जो अभियुक्त हैं उनको, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।